हेलो स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर फोर अल्टीट्यूड्स एंड ऑफ अ ट्रायंगल इस चैप्टर का प्रैक्टिस स्टडी करेंगे प्रैक्टिस में हमें एंड मेडियंस ड्रॉ करने के एग्जांपल्स करने हैं तो सबसे पहले हम अल्टीट्यूड किसे कहते हैं एंड मेडियम किसे कहते हैं समझेंगे पहले अल्टीट्यूड समझेंगे देखो कोई भी अगर हमें ट्राइंगल दिया जाता है तो उसके एक वर्टेक्स में से अपोजिट साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर सेगमेंट एपी को हम आल्टीट्यूड कह सकते हैं ठीक है ठीके? और इस तरह से हर एक ट्राइंगल को हम तीन आल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं बी वर्टेक्स में से हम अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं सी वर्टेक्स में से भी हम अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं तो ऐसे हर एक ट्राइंगल को हम तीन आल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं देखो यहां पर ये यह सेकंड में हमें ये तीनों ड्रॉ करके दिया है और यहां पर हमें दिख रहा है कि तीनों एक ही पॉइंट में इंटरसेट करते हैं इसका मतलब तीनों आल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे अर्थोसेंटर कहते हैं एंड दैट अर्थोसेंटर इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ ठीक है और ये हर एक अल्टीट्यूड हम सेट स्क्र का यूज करके इजिली ड्रॉ कर सकते सेट स्क्वेयर में जो दो परपेंडिकुलर साइड होते हैं उनका यूज करके हम ये तीनों अल्टीट्यूड इजिली ड्रॉ कर सकते हैं तो इस तरह से प्रैक्टिस में हमें करने करने के हैं उसके बाद अभी मीडियन समझते हैं देखो कोई भी ट्रायंगल अगर हमें दिया जाता है और उसके किसी साइड का अगर मिड पॉइंट दिया जाता है तो उस मिड पॉइंट को और उस साइड के अपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट होता है उसे मीडियन ऑफ द द्राइंगल कहते हैं जैसे कि यहां पर हमें एक ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल के एक साइड का मिड पॉइंट दिया है यार डी इज दिड पॉइंट ऑफ दाइड एच सी और उस मिड पॉइंट को और उसके अपोजिट वर्टेक्स को इस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो ये सेगमेंट है एफ डी दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ दैट ट्राइंगल तो इस तरह से इस साइड का भी हम मिडी मिड पॉइंट फाइन कर सकते हैं और वो मिड पॉइंट सी से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये दूसरा मीडियन हमें मिल जाएगा इसी तरह से ये तीसरा जो साइड है हमारा ट्राइंगल का एफ सी उसका भी मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं और वो मिड पॉइंट भी उसके अपोजिट व्वाइन कर सकते हैं यानी हर एक ट्राइंगल को हम इस तरह से तीन मेडियंस ड्रॉ कर सकते हैं हर एक साइड का मिड पॉइंट फाइंड करके मेडियन ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है ये आगे वाले ट्राइंगल में देखेंगे यहां पर हमें तीनों मेडियंस दिए हैं हर एक साइड का मिड पॉइंट फाइंड किया है और उस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करके हमें तीनों मेडियंस दिए हैं और यहां पर डायग्राम में दिख रहा है कि तीनों मेडियंस एक ही पॉइंट में इंटरसेट करती है इसका मतलब भी कॉन्करेंट होती है। है, और उनका पॉइंट ऑफ उसे सेंट्रोइड है। है से करते हैं के लिए हमें क्या करना होगा हर एक साइड का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे हर एक साइड का हम पहले परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करेंगे राउंडर का यूज करके फिर साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ करने से हमें साइड का मिड पॉइंट मिलता है और फिर वो मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करने से हमें मेडियन मिलती है तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट वन में हमें मीडियंस ड्रॉ करने के भी कंस्ट्रक्शन करने हैं ठीक है थीके? चलो प्रैक्टिस सेट वन का क्वेश्चन वन करते हैं प्रैक्टिस फोर पॉइंट वन में क्वेश्चन वन है इन ट्रैंगल एल एम एन डैशैश इज एन अल्टीट्यूड एंड डैश इज अडियन राइट द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट सेगमेंट्स तो यहां पर इस फिगर में हमें कौन सा अल्टीट्यूड है और कौन सा मेडियन है ये बताना है तो देखो डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे हमें पता है अल्टीट्यूड कैसे कहते हैं वर्टेक्स में से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं तो यहां पर अगर हम देखेंगे एल एक्स सेगमेंट जो है वो साइड एम एन को परपेंडिकुलर है मतलब हम कह सकते हैं दिस सेगमेंट एलेक्स इज अल्टीट्यूड तो यहां पर फिलिंग ब्लैंक्स में आएगा सेगमेंट LX सेगमेंट LX इज एन अल्टीट्यूड उसके बाद मीडियन हमें लिखना है तो हमें पता है मीडियन किसे कहते हैं साइड का मिड पॉइंट और उस साइड का अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट होता है उसे मीडियन कहते हैं तो यहां पर हम कह सकते हैं दिस सेगमेंट एल वाई इज़ द मेडियन ऑफ दिस ट्राइंगल यामियन तो आंसर आएगा सेगमेंट एल वाय सेगमेंट एल वाई इज द मेडियन ठीक है इसके बाद क्वेश्चन टू करते हैं क्वेश्चन टू इज ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल पीक्यू आर ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ तो यहां पर हमें पहले एक्यूट एंगल ट्रैंगल पीक्यू आर ड्रॉ करना है और फिर उसके अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं सेट स्क्वेयर का यूज करके हम इजिली अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस को हमें ओ डिनोट करना है चलो एक्यूट एंगल ट्रैंगल के अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन टू के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें एक एक्यूट एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम एक बेस ड्रॉ कर लेंगे अंदाजे से ड्रॉ करेंगे एंगल ट्राइंगल यानी सभी एंगल्स लेस देन 90 होते हैं तो सभी एंगल्स हमें लेस देन 90 मिलेंगे इस तरह से हम साइड्स ड्रॉ करेंगे ये हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल और उसका नाम दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर फिर अब इसके बाद हमें इसके अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं तो अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने के लिए हम सेट स्क्वायर यूज कर सकते हैं ट स्क्यर में ये दो जो परपेंडिकुलर साइड होते हैं इसका यूज करके हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से एक परपेंडिकुलर साइड हम बेस को पैरल एडजस्ट करेंगे और ये दूसरा परपेंडिकुलर साइड हम वर्टिक्स को एडजस्ट करेंगे तो हमें सेट स्क्वेयर का यूज करके अल्टीट्यूड मिल जाएंगे ये नीचे वाला जो परपेंडिकुलर साइड है सेट स्क्वेयर का वो मैं क्यू को एडजस्ट करता हूं और ये सईदर का साइड पी को एडजस्ट करता हूं ठीक है तो ये पी में से अगर हम ये क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आल्टीट्यूड सपोज दिस पॉइंट इज एम तो पी एम हमारा एक मिल गया उसके बाद क्यू में से इसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सेट स्क्वेयर का यूज करके सेट का ये जो साइड है वो अभी पी को पैरल एडजस्ट करेंगे और ये दूसरा साइड क्यू पर एडजस्ट करेंगे ये पी को एडजस्ट किया और इधर क्यू को एडजस्ट किया इस तरह से हमें अल्टीट्यूड, दूसरा अल्टीट्यूड मिल रहा है पर का रोटेशन सपोज दिस पॉइंट इज एन सो क्यू एन इज द अनदर अल्टीट्यूड। अब उसके बाद थर्ड अल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करना है तो हमारा सेट स्क्वायर हम साइड पी क्यू को पैरल एडजस्ट करेंगे और आर में से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे दैट इज परपेंडिकुलर सपोज दिस पॉइंट इज एल तो ये आर एल हमारा तीसरा आल्टीट्यूड मिल गया आल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हमें ओ से डिनोट करने के लिए बोला है तो यहां पर हम ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ से डिनोट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन थ्री करेंगे क्वेश्चन थ्री इज ड्रॉ एंड ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल एस टीवी ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देंट्रॉइट तो यहां पर हमें एक ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके तीनों मेडियंस ड्रॉ करने हैं। तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद कैसे draw करेंगे? Medians draw करने के लिए सबसे पहले हम हर एक साइड का mid point find करेंगे। mid point कैसे find करेंगे? कैसे करके हर एक side का हम परपेंडिकुलर बाइटर ड्रॉ करेंगे राउंडर का यूज करके फिर हमें साइड का मिड पॉइंट मिलेगा और फिर उस मिड पॉइंट को और अपोजिट वेटेस को ज्वाइन करके हमें मीडियंस मिलेंगे ठीक है चलो ऑप्ट्यूज एंगल ट्रैंगल के मेडियंस ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन थ्री के कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले यहां पर हमें एक ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो अंदाजे से हम ड्रॉ करेंगे एक बेस लेंगे और ऑप्टूज एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करना है तो यहां पर एक एंगल हम मोर देन 90 का मिलेगा इस तरह से साइड ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद ये तीसरा साइड तो यहां पर ये यह एंगल मोर देन 90 मिल गया तो ये ऑप्टिज एंगल हो गया तो ये ट्राइंगल एंगल हमें मिल गया, और ट्रायंगल का नाम उसके बाद हमें, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम राउंडर का यूज करेंगे राउंडर का यूज करके हर एक साइड का परपेंडिकुलर पैसे ड्रॉ करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिलेगा तो ये जो टी वी साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस हमारे राउंडर में लेंगे ऊपर के साइड में एक आर्क नीचे के साइड में एक आर्क इस तरह से दो आर्क फी से हमने ड्रॉ किए फिर उसका अपोजिट वर्टेक्स टी जो है उसमें से पहले वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को ज्वाइन करके हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा ये परपेंडिकुलर बायसेक्टर हमें मिल गया साइड टीवी का तो ये हो गया मिड पॉइंट सपोज दिस मिड पॉइंट इज एम तो अभी ये को और उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा पहला मीडियन मिल जाएगा दिस इज मिड पॉइंट यम एंड दिस इज अपोजिट वर्टेक्स एस तो हमें मीडियन एस एम मिल गया इसी तरह से दूसरे साइड का मिड पॉइंट फाइन करेंगे और फिर दूसरा मीडियन फाइंड करेंगे टी एस साइड का मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है तो उसका परपेंडिकुलर बायसेट ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस टी पॉइंट से हमने पहले आर्क ड्रॉ किया फिर एस पॉइंट से उसको इंटरसेट करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये साइड एस टी का परपेंडिकुलर बैसेटर हमें मिल गया यानी ये साइड का मिड पॉइंट हमें मिल गया सपोज दिस मिड पॉइंट इज एन अब ये मिड पॉइंट और उसका अपोजिट करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगी तो ये वी एन इज द सेकेंड मीडियन अब उसके बाद थर्ड मीडियन हमें ड्रॉ करनी है टी पॉइंट में से उसके अपोजिट साइड पर तो अपोजिट साइड का हमें मिड पॉइंट करना पड़ेगा अब ये एस वी साइड का हमें परपेंडिकुलर बायसेट ड्रॉ करना है तो उसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है तभी वो आर से इंटरसेट करती है वी से पहले आर्क हमने ड्रॉ कर लिया फिर पॉइंट एस से उन आर्स को हम इंटरसेट करेंगे और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर हमें मिलते हैं उनको ज्वाइन करने से परपेंडिकुलर ऑफ दैट साइड मिलता है और वो परपेंडिकुलर बायसेटर ड्रॉ करने से हमें इस साइड का मिड पॉइंट मिल जाता है आ, ये परपेंडिकुलर बायसेटर तो यहां पर का नोटेशन सपोज दिस पॉइंट इज एल तो ये एल हो गया मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड तो ये मिड पॉइंट को और उसके अपोजिट वर्टिस को हम ज्वाइन करेंगे तो ये तीसरा मीडियन हमें मिल जाएगा सो दिस इज द थर्ड मीडियन टीएल इज द थर्ड मीडियन तो इस तरह से हमें तीनों मीडियन मिल गए फिर आगे क्या करना है शो द सेंट्रॉइड ये तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे सेंट्रॉइड कहते हैं और सेंट्रॉइड इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द लेटर जी तो यहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हमें मिल गया तीनों मीडियंस का सो दिस पॉइंट इज जी तो इस तरह से हमने सेंट्रॉइड को भी डायग्राम में दिखा दिया उसके बाद क्वेश्चन फोर का कंस्ट्रक्शन करते हैं क्वेश्चन फोर इज ड्रॉ एन ऑप्टूज एंगल ट्रैंगल

अंदाजे से एक बेस लेंगे फिर उसके बाद एक ऑप्टूज एंगल बनेगा इस तरह से सेकेंड साइड ड्रॉ करेंगे यहां पर ये यह ऑप्टूज एंगल बन गया और फिर उसके बाद तीसरा साइड ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ऑप्टिज एंगल ट्रांगल हमें मिल गया एंड द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल एल एम एन अब इसके बाद हमें अल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं तो अल्टीट्यूड हम सेट का यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं अब सेट सेटर का यूज करके अगर हमें ड्रॉ करना है पॉइंट में से अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो इस तरह से वो नीचे आएगा मतलब एम एन साइड को हमें आगे एक्सटेंड करना होगा तब वो एक्सटेंडेड साइड पर वो अल्टीट्यूड हमें मिलेगा तो यहां पर हमें ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल में साइड को एक्सटेंड करना पड़ता है अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए एम एन साइड को आगे एक्सटेंड करेंगे कोई एक्सटेंडेड साइड पर हमें अल्टीट्यूड मिलेगा सेट स्क्वायर का यूज करके सेट स्क्वायर का ये जो परपेंडिकुलर साइड है वो एक्सटेंडेड MN को पैरेलल एडजस्ट करेंगे और ये दूसरा परपेंडिकुलर साइड YL को एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से ये हमारा पहला जूड हमें मिल जाएगा सपोज ये यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन एंड सपोज दिस पॉइंट इज P तो ये एलपी अल्टीट्यूड हमें मिल गया उसके बाद दूसरा अल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करना है तो पॉइंट एन में से हम ड्रॉ करेंगे तो एन में से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो इधर नीचे आएगा तो ये साइड एल एम जो है उसे भी हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा तो ये एक्सटेंडेड साइड पर अभी हम सेट स्क्वायर का यूज करके अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं सेट स्क्वायर का ये परपेंडिकुलर साइड एक्सटेंडेड साइड एल को पैरल एडजस्ट करेंगे और ये दूसरा साइड पॉइंट एम को एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से हमें ये दूसरा एल्टीट्यूड मिल गया। परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज पॉइंट क्यू तो ये एन क्यू हमें दूसरा एल्टीट्यूड मिल गया अब तीसरा एल्टीट्यूड तीसरे वर्टेक्स में से हमें ड्रॉ करना होगा तीसरा वर्टेक्स हमारा एम है तो इसमें से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये अपोजिट साइड पर हमें ड्रॉ करना होगा तो यहां पर कोई साइड हमें एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है जस्ट हम सेट ये तीसरे साइड को पैरल एडजस्ट करेंगे और ये जो सेट का दूसरा परपेंडिकुलर साइड है वो एम को एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से ये तीसरा अल्टीट्यूड हमें मिल जाएगा यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन सपोज दिस पॉइंट इज आर तो ये आर हमें अल्टीट्यूड मिल गया

पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस फाइंड करने के लिए ये दूसरा आल्टीट्यूड एन क्यू और ये तीसरा आल्टीट्यूट एम आर तो इस तरह से ये तीनों आल्टीट्यूड एक्सटेंड करने से एक पॉइंट में इंटरसेट हो गए एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अर्थोसेंटर Altitudes का जो पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंस होता है उसे कहते हैं और उसे हमें ओ से डिनोट करना है इसके बाद क्वेश्चन फाइव करेंगे क्वेश्चन फाइव इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी तो यहां पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और उसके मेडियंस ड्रॉ करने हैं क्वेश्चन थ्री में भी हमने मेडियंस ड्रॉ किए थे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और फिर हर एक साइड का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे करके और फिर वो और उसका वर्टेक्स करने से हमें मिलती है ठीक है तो चलो राइट एंगल ट्राइंगल के मेडियंस ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन फाइव में सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करना है तो एक अंदाजे से बेस ड्रॉ कर लेंगे फिर उस बेस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे बेस का इधर का एंड पॉइंट यह है उस एंड पॉइंट पर हमारा प्रोटेक्टर एडजस्ट करेंगे तो 90 डिग्री का पॉइंट यहां पर हमें मिल जाएगा तो इस तरह से हमें 90 डिग्री एंगल यहां पर मिल गया अब यह जो रे हमने ड्रॉ किया है वहां पर एक कहीं पर भी पॉइंट लेंगे

उसके लिए हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना होता है उस साइड का ऊपर नीचे एक एक आर्क हमने ड्रॉ कर लिया झेड वर्टेक्स से फिर वाई वर्टेक्स से पहले वाले आर्स को इंटरसेट करेंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर बायोसेटर हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर बायसेक्टर तो यहां पर हमें मिड पॉइंट मिल गया सपोज दैट मिड पॉइंट इज एम ठीक है वाई जेड साइड का मिड पॉइंट अब ये मिड पॉइंट और उसका अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे तो पहला मीडियन हमें मिल जाएगा दिस सेगमेंट एक्स एम इज द फर्स्ट मीडियन अब उसके बाद दूसरे साइड का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे उसके लिए परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रा करेंगे दूसरे साइड का मोर देन हाफ डिस्टेंस ठीक से अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर नहीं मिल रहा है तो पहले वाले यार को और थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने से हमें दूसरे साइड का परपेंडिकुलर बायसेक्टर मिल जाएगा यहां पर हमें मिड पॉइंट मिल गया सपोज दैट मिड पॉइंट इज एन अब ये पॉइंट और उसका अपोजिट वर्टेक्स ज्वाइन करेंगे तो सेकेंड मीडियन हमें मिल जाएगा तो ये सेकेंड मीडियन अब उसके बाद तीसरा मीडियन करना है तो ये तीसरा साइड करेंगे मोर देन हाफ डिस्टेंसर ये दोनों आर ड्रॉ किए एक्स से पहले वाले आर को इंटरसेट करेंगे ये पहले वाले आर को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन करने से हमें परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ दैट हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा ये हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर बायसेक्टर तो यहां पर हमें हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट मिल गया सपोज दैट मिड पॉइंट इज एल और ये परपेंडिकुलर का नोटेशन भी हम यहां पर दिखा सकते हैं अब ये मिड पॉइंट और ये अपोजिट वर्टेक्स Y को हम ज्वाइन करेंगे तो ये तीसरा मेडियन हमें मिल जाएगा so, ठीक है तो तीनों मीडियं हमें मिल गए आगे क्या करना है शो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय G। ये तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे सेंट्रोइड कहते हैं और उसे हमें G से डिनोट करने के लिए बोला है सो विल शो दैट दिस पॉइंट इज G। तो इस तरह से हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स के मेडियंस मिल गए और सेंट्रोइड जी भी मिल गया इसके बाद क्वेश्चन सिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं क्वेश्चन सिक्स इज ड्रॉ एन आइसोसल ट्रैंगल ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मेडियंस एंड अल्टीट्यूड्स राइट यूर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस तो यहां पर हमें एक आईसोसेल ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसके की दो साइड इक्वल होते हैं और उसके मेडियंस भी ड्रॉ करने हैं और भी ड्रॉ करने मेडियंस ड्रॉ तो करने के लिए हम साइड्स के मिड पॉइंट करेंगे और मिड पॉइंट में यूज करके अल्टीट्यूड करेंगे, करेंगे ठीक है चलो आइसोसेल ट्रैंगल के मेडियंस एज वेल एज अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन सिक्स में सबसे पहले हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है तो यहां पर हम एक आईसोसेल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे देखो यहां पर जो साइड हम लेंगे वो लेंथ मेजर करके लेंगे जैसे कि यहां पर अभी मैं बेस ड्रॉ करने वाला हूं सिक्स सेंटीमीटर का अब ये सिक्स सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करने से सपोज दैट बेस इज बी सी अभी इसका लेंथ मैंने सिक्स सेंटीमीटर लिया है तो जब हम मेडियंस ड्रॉ करते हैं तो मेडियंस ड्रॉ करने के लिए हमें मिड पॉइंट की जरूरत होती है तो ये बेस सिक्स है तो थ्री सेंटीमीटर पर हमें उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा और फिर मीडियन ड्रॉ करना हमें इजी हो जाएगा इसके लिए हम यहां पर आईसोसलेट्रेंगल में सभी साइड्स मेजर करके लेंगे ये सिक्स सेंटीमीटर ले लिया अब उसके बाद ऊपर वाले जो दोनों इक्वल साइड्स होते हैं वो एट सेंटीमीटर के लेंगे राउंडर में एट सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर करेंगे ये एट सेंटीमीटर डिस्टेंस है और इसका यूज करके ये दोनों एंड पॉइंट आर्क बनाएंगे तो ऊपर में हमें जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वहां पर हमारा ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स मिलेगा तो ये सपोज पॉइंट ए है तो ए बी ज्वाइन करेंगे उसके बाद ए सी ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल है एट सेंटीमीटर के तो ये हो गया आईसोस ट्रायंगल अब इसके हमें मेडियंस भी ड्रॉ करने हैं और आल्टीट्यूड भी ड्रॉ करने पहले मेडियंस ड्रॉ करेंगे तो मेडियंस ड्रॉ करने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए तो हमें हमें पता पता है पता है साइड्स की लेंथ बीसी का लेंथ सिक्स है तो थ्री सेंटीमीटर पर हमें मिड पॉइंट मिलेगा परपेंडिकुलर बायसेक्टर ड्रॉ नहीं करेंगे यहां पर मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए मेजर करके यहां पर हमें थ्री सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मिड पॉइंट मिल गया सपोज दैट मिड पॉइंट इज एम तो ये मिड पॉइंट को और अपोजिट वर्टेज को ज्वाइन करने से हमें पहला मीडियन मिल जाएगा सो दिस इज आवर फर्स्ट मीडियन अब उसी तरह से साइड ए बी का भी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हमें पता है ए बी का लेंथ कितना है 8 तो 4 सेंटीमीटर पर हमें उसका मिड पॉइंट मिल जाएगा ए से लेके 4 सेंटीमीटर पर हमें साइड ए बी का मिड पॉइंट मिल जाएगा सो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सपोज दैट पॉइंट इज एन अब ये पॉइंट को और अपोजिट वर्टिस को ज्वाइन करने से सेकेंड मीडियन हमें मिल जाएगा तो सी एन इज द सेकेंड मीडियन अब उसके बाद उसी तरह से AC का भी मिड पॉइंट लेंगे AC का भी लेंथ एट है तो फोर सेंटीमीटर पर उसका मिड पॉइंट हमें मिलेगा ए सी लेके फोर सेंटीमीटर पर हमें उस पर मिड पॉइंट मिलेगा सपोज दैट पॉइंट इज एल तो ए सी का मिड पॉइंट है तो यल और बी को ज्वाइन करेंगे तो हमारा तीसरा मीडियन हमें मिल जाएगा ठीक है तो तीनों मीडियंस मिल गए अब तीनों मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं और उसे हम जी से डिनोट करते हैं तो ये सेंट्रोइड भी हमें मिल गया ठीक है जी और मीडियंस ड्रॉ करने के लिए हमने कोई परपेंडिकुलर बायसेटर्स नहीं ड्रॉ किए क्योंकि साइड्स का लेंथ हमने मेजर करके लिया था तो इजीली हमें मिड पॉइंट मिल गए अब उसके बाद अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम सेट स्क्वेयर का यूज करते हैं पहले ए बी साइड का अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो हमारा ये जो सेट स्क्वेयर है वो ए बी को हम पैरल एडजस्ट करेंगे और एक साइड पॉइंट सी में से हमें हमेंट्यूड ड्रॉ करना है तो सी को एडजस्ट करेंगे तो इस तरह से हमें ये पॉइंट सी में से अल्टीट्यूड हमें मिलेगा यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन सपोज दैट अल्टीट्यूड इज सीपी उसी तरह से अभी एसी पर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट बी में से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा तो सेट एडजस्ट करेंगे और इधर का साइड बी को एडजस्ट करेंगे सो दिस इज द सेकेंड अल्टीट्यूड सपोज दिस पॉइंट इज क्यू तो ये हमें सेकंड आल्टीट्यूड मिल गया अब उसके बाद तीसरा एल्टीट्यूड करना है तो पॉइंट ए में से हमें बीसी पर ड्रॉ करना पड़ेगा तो देखो बीसी को अगर मैं स्क्वायर एडजस्ट करूंगा और इधर का साइड ए को एडजस्ट करूंगा तो अल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं है ये जो हमें पहले मीडियन मिला है एम दैट द अल्टीट्यूड मतलब आईसो ट्रायंगल में बेस पर जो हम मीडियन ड्रॉ करते हैं वही हमारा अल्टीट्यूड भी होता है तो इसे ही हम अल्टीट्यूड भी दिखा देंगे यहां पर परपेंडिकुलर का नोटेशन भी कर देंगे ठीक है तो इस तरह से हमें तीसरा अल्टीट्यूड भी हमें मिल गया अब उसका हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस दिखाना है तो तीनों अल्टीट्यूड हाँ ये सीपी बी क्यू और ए एम ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे इस पॉइंट में सो दिस इज द अर्थो सेंटर अल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है उसे हम अर्थो कहते हैं अब आगे हमें यहां पर हमें ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला है, राइट right? तो क्या ऑब्जर्वेशन हमारा होगा ये ये जो दोनों point of concurrence है, एक एक ही एक ही लाइन पर है और वो जो लाइन है वो हम कह सकते हैं बेस का परपेंडिकुलर है, क्योंकि बेस को वो परपेंडिकुलर भी है और बेस के मिड पॉइंट में से जा रहा है वो लाइन अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो मतलब वी कैन से दैट द सेंट्रॉइड एंड अर्थोसेंटर लाई ऑन द सेम लाइन एंड दैट लाइन इज द परपेंडिकुलर बायसेटर ऑफ द बेस बी सी तो लास्ट में हम आंसर लिख देंगे ऑब्जर्वेशन द सेंट्रॉइट जी एंड the orthocenter o lie on the same line which is the perpendicular bisector पेंडिकुलर बायोसेक्टर ऑफ बेस बी इसके बाद क्वेश्चन सेवन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेवन इज फिल इन द ब्लैंक्स पॉइंट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहां पर पॉइंट जी हमें ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड दिया है यानी ये तीनों मेडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम सेंट्रोइड कहते हैं और उस सेंट्रॉइड का यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने तो यहां पर हमें सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी होता है सेंट्रोइड जी डिवाइड ईच मेडियन इन द रेशो टू इज वन येड हर एक मेडियन को टू इज वन रेशियो में डिवाइड करता है यानी सेंट्रोइड के कारण मेडियन के दो पार्ट बनते हैं एजी एक पार्ट और जीपी दूसरा पार्ट मतलब सेंट्रोइड से लेके वर्टेक्स तक का एक पार्ट और सेंट्रोइड से लेके मिड पॉइंट तक का एक पार्ट और इसमें हमेशा ये ऊपर वाला जो बड़ा पार्ट होता है वर्टेक्स के तरफ का ये डबल होता है और ये हाफ होता है यानी अगर सपोज ऊपर का लेंथ अगर फोर है तो ये नीचे का लेंथ टू हो जाएगा तो इस तरह से स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है इधर भी हर एक मीडियम में ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ये बीजी और जी क्यू इसमें अगर सपोज ये जी क्यू का लेंथ थ्री है तो ये बीजी का लेंथ सिक्स हो जाएगा और अगर हमें ये टोटल लेंथ फाइंड करना है तो फिर ये सिक्स और ये थ्री यानी टोटल लेंथ नाइन हो जाएगा तो इस तरह से सेंटर्ड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होता है क्या ब्लैंक है? okay? तो तो देखते हैं यहां पर हमें आर जी दिया है मतलब ये डिस्टेंस दिया है टू पॉइंट फाइव और हमें फाइंड करना है जीसी तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो सेंट्रड प्रॉपर्टी क्या है ये ऊपर वाला डिस्टेंस हमेशा ये नीचे वाले डिस्टेंस का ट्वाइस होता है ठीक है क्योंकि तो बीजी ये ऊपर वाला डिस्टेंस दिया है वर्टिस तरफ का डिस्टेंस दिया है सिक्स दिया है दिया है, दिया है तो इधर मिड पॉइंट की तरफ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ हा यानी थ्री हो जाएगा ये जी क्यू डिस्टेंस लेकिन यहां पर हमें फाइंड क्या करना है बीक्यू यानी टोटल लेंथ फाइंड करना है मीडियन का तो ये ऊपर वाला सिक्स दिया है नीचे वाला थ्री मिलेगा सिक्स प्लस थ्री करके टोटल बी क्यू हो जाएगा नाइन तो इस तरह से यहां पर हमें आंसर मिलेगा नाइन अब आगे थर्ड में क्या दिया है एपी का लेंथ दिया है एपी सिक्स यानी टोटल मीडियन का लेंथ सिक्स दिया है और एजी और जीपी हमें फाइंड करना है तो ये एजी और ये जीपी अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे हमें पता है ये डिस्टेंस ऊपर वाला जो डिस्टेंस होता है वो नीचे वाले डिस्टेंस के ट्वाइस होता है तो नीचे वाला डिस्टेंस हम एक्स कंसिडर करेंगे जीपी डिस्टेंस एक्स लेंगे तो ये एजी डिस्टेंस उसका ट्विस्ट टू एक्स हो जाएगा ठीक है और ये टू एक्स और एक्स दोनों को एड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यानी एपी to का लेंथ हमें सिक्स दिया है तो टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स इसका मतलब आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू मिलेगा सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स इजल टू थ्री टू जॉ सिक्स टू टू मिलेगा एक्सक्ल टू टू मिल गया इसका मतलब जीपी हमारा टू हो जाएगा और एजी टू इंटू टू तरह से हमें मिलेगा और जीपी टू मिलेगा तो इस तरह से इस क्वेश्चन सेवन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए इस हमेंट्रॉइड प्रॉपर्टी का पता होना बहुत जरूरी है ठीक है चलो इसका भी आंसर हम नोटबुक में अच्छे से लिखते हैं क्वेश्चन सेवन में हमें सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी यूज करके जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए उनको कंप्लीट करना है ठीक है आरजीज टू टू पॉइंट फाइव दिया है बीजी इक्वल टू सिक्स एपी इक्वल टू सिक्स और ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने तो चलो आंसर लिखते हैं ये क्वेश्चन में हमें डायग्राम दिया है जी इज द देंट्रॉइड अब आंसर में सबसे पहले हम सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी को मैंशन करेंगे सेंट्रॉइड डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो टू इज टू वन पहला आंसर अब देखो पहले आंसर में हमें ये आरजी का लेंथ दिया है फाइंड करना है जीसी को हम सीजी भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह फाइव आने वाला है तो उसके लिए हम रेशो लिखेंगे सी जी अपॉन जी आर इज इक्वल टू टू इज टू वन आंसर में पहला रेशो सी जी अपॉन जी आर इज इक्वल टू टू अपॉन वन अब इसमें हमें यह सीजी फाइंड करना है जी आर दिया है टू पॉइंट फाइव हाँ जी आर यानी आर जी टू पॉइंट फाइव इज इक्वल टू ये रेशो एज इट इज टू अपॉन वन अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा सी जी इज इक्वल टू ये टू इंटू टू पॉइंट फाइव और ये ट्वेंटी फाइव इंटू टू मल्टीप्लीकेशन फिफ्टी आएगा फिर पॉइंट देने के बाद फाइव पॉइंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब हमें ये सी जी का लेंथ मिल गया फाइव एंडियर फोर लेंथ ऑफ जी सी इज इक्वल टू फाइव अब उसके बाद सेकेंड आंसर में हमें ये बीजी डिस्टेंस दिया है बीजी डिस्टेंस सिक्स दिया है और ये टोटल बीक्यू हमें फाइंड करना है तो प्रॉपर्ट यूज करके ये बीजी का यूज करके ये जीक्यू डिस्टेंस हमें थ्री मिल जाएगा और फिर ये दोनों को ऐड करके बीक्यू सिक्स नाइन मिल जाएगा तो देखो उसके लिए भी आंसर लिखेंगे कौन सा मिलेगा बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू टू अपॉन वन तो ये सेकंड आंसर बीजी अपॉन जी क्यू इज इक्वल टू टू अपॉन वन इसमें बीजी हमें सिक्स दिया है जी क्यू एज इट इज इज इक्वल टू रेशियो एज इट इज टू अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो टू इन जी क्यू इज इक्वल टू सिक्स फिर टू को इधर आर में ट्रांसफर करेंगे तो जीक्यू इज इक्वल टू सिक्स अपॉन टू टू से सिक्स को डिवाइड किया तो जीक्यू इक्वल टू थ्री अब जीक्यू मिल गया उसके बाद हमें फाइंड करना है तो बी जी और जी क्यू को ऐड करेंगे तो लास्ट में हम लिखेंगे नाउ बीक्यू इज इक्वल टू प्लस जी क्यू बी जी इज सिक्स प्लस जी क्यू इज थ्री सिक्स प्लस थ्री इज नाइन तो इस तरह से बीक्यू इज इक्वल टू हमें नाइन मिल गया अब थर्ड आंसर में हमें टोटल एपी का लेंथ दिया है सिक्स और हमें एजी और जीपी फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं ये जीपी एक्स कंसिडर करेंगे तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस ट्वाइस होता है तो ये टू एक्स मिलेगा और फिर टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू सिक्स लेके एक्स का वैल्यू मिलेगा और फिर एक्स का वैल्यू मिलने से ये दोनों लेंथ हमें मिल जाएंगी तो देखो तीसरा आंसर हम इस तरह से लिखेंगे लेट जीपी इक्वल टू एक्स डेयर फोर विल बिकम टू एक्स वल टू एपी है एजी हमने टू एक्स लिया है जीपी एक्स लिया है इक्वल टू एपी सिक्स दिया हुआ है टू एक्स प्लस एक्स करेंगे तो थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स एंड डेयर फोर एक्स इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री थ्री से सिक्स को डिवाइड करने से एक्स इज इक्वल टू टू मिल गया अब एजी हमारा टू एक्स है एंड therefore फोर एजी इक्वल टू टू इंटू टू टू इंटू टू दैट इज फोर तो इस तरह से एजी इज इक्वल टू फोर हमें मिल गया और G.P. इज इक्वल टू एक्स है तो x इज इक्वल टू 2 है देर फोर इक्वल टू टू हमें मिल गया तो इस तरह से पूरे आंसर हमें मिल गया तो लास्ट में हमारे आंसर्स भी हम यहां पर लिख देंगे सबसे पहले हमने G.C. फाइंड किया वो हमें 5 मिला फिर उसके बाद B.Q. फाइंड किया वो हमें 9 मिला फिर उसके बाद A.Z. फाइंड किया वो फोर मिला और लास्ट में जीपी हमें टू मिला तो इस तरह से क्वेश्चन सेवन में सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी यूज करके हमें सभी आंसर इजिली मिल जाते हैं ठीक है तो इसके साथ ही हमारा ये प्रैक्टिस सेट फोर पॉइंट वन कंप्लीट हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट फाइव पॉइंट वन का स्टडी करेंगे थैंक यू